और चलिए 8 बजे की 18 ब्रेकिंग्स पर सबसे पहले नजर। पहली ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। ये एनकाउंटर पुलवामा के मित्रिगम इलाके में चल रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इलाके में 1 से 2 आतंकी छिपे हो सकते हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। दूसरी ब्रेकिंग, पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे IARI कैंपस पूसा में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। खास बात ये कि इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तीसरी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। चौथी ब्रेकिंग, संसद के बजट सत्र के 5वें दिन भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च की सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गई, लेकिन कार्यवाही स्थगित होने से पहले लोकसभा में करीब 20 मिनट तक सदन की कार्यवाही का ऑडियो बंद हो गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि अडानी पर सवालों से बचने के लिए लोकसभा को म्यूट करा दिया गया। पांचवी ब्रेकिंग, कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष जीके शिवकुमार ने कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेंगे और जीतेंगे। छठी ब्रेकिंग, ईडी ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। यहां उनकी रिमांड पर सुनवाई हुई, इसे 5 दिन और बढ़ा दिया गया। वो अब 22 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे। हालांकि ईडी ने उनकी 7 दिन और रिमांड की मांग की थी। वहीं शराब नीति केस में सिसोदिया के बैंक खाते सीज किए गए हैं। सातवीं ब्रेकिंग, शराब नीति में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का जन जागरण अभियान जारी है। शुक्रवार को बीजेपी दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर लोगों को आबकारी घोटाले के बारे में जानकारी देती नजर आई। तो वहीं आज बीजेपी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में विरोध प्रदर्शन करेगी। 19, 20 और 26 मार्च को डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। आठवीं ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बनाए गए। अब राजस्थान में कुल 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं। नौवीं ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन गृहमंत्री अमित शाह 5 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पिछले हफ्ते गृहमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र और अहमदाबाद से जुड़े 154 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण किया था। दसवीं ब्रेकिंग, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आज नड्डा के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा आज तुमकुर में रथ यात्रा को रवाना करेंगे। इसके बाद तुमकुर में ही विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। 11वीं ब्रेकिंग, यूपी में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन ही जबरदस्त संकट पैदा हो गया। गोरखपुर और कानपुर में फैक्ट्रियों में औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया। विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में सहयोग न करने वाले कई कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। बारहवीं ब्रेकिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों और कर्मचारी नेताओं को जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने सरकार को प्रदेश भर में जहां भी बिजली आपूर्ति गड़बड़ है वहां तत्काल व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया है। तेरहवीं ब्रेकिंग, भारत में H3N2 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। H3N2 की स्थिति पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है, जिसमें देश के कुछ हिस्सों में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 के प्रचार प्रसार पर चर्चा की जाएगी। रुक कर लेते हैं अगली ब्रेकिंग का। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद फरार आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को अहम जानकारी हासिल हुई। पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में कहीं छिपी हुई है। इस सिलसिले में प्रयागराज पुलिस ने अतीक के 3 करीबियों को उठाया है, जिन पर शाइस्ता को पनाह देने का शक है। पंद्रहवीं ब्रेकिंग, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आज और कल मुंबई में होने वाला
अक्सर विवादों में गिर गया। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम आयोजित नहीं होना चाहिए। नाना पटोले ने चिट्ठी में लिखा कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का राज्य में कोई स्थान नहीं। सोलहवीं ब्रेकिंग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नासिक शहर में आज एक सैन्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न हथियारों और उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। सत्रहवीं ब्रेकिंग, मुंबई वनडे में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। हार्दिक पांड्या ने टीम की कमान संभाली। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 188 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 40वें ओवर में हासिल कर लिया। और 18वीं ब्रेकिंग, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। वारंट यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के आरोप में जारी किया गया है।